हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और भाई कैसे हो आप सभी? तो आप लोग सब अच्छे से हो, और ठाकुर जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो बस ये देखिए, आ चुके हम ना धोके, सारा काम सुबह का सारा काम निपटा निपटू के। क्यों भाई, अभी छोटे छोटे दिन है, काफी टाइम हो जाता है सुबह से लगे लगे। तो बस आ चुके हम अपनी किचन को संभालने, क्योंकि हमें खाना बनाना है। तो और 12 बज चुके हैं, तो हमारा रोज का खाना भाई 12 बजे ही बनता है, क्योंकि खाना हमारा लेट बनता है, लेट खपता है, तो हम लेट ही बनाते हैं। वो काम में भी टाइम हो जाता है। तो बस अब हम आ गए किचन में, तो संभालते हैं क्या बनाना है क्या नहीं। तो पहले तो हमें, आज गुरुवार है, आज हमें गाय की लोई निकालते हैं, वही है। इसमें मैंने डाल दी थी थोड़े से चने की दाल गलने के लिए, तो लोई में रखते हैं, बस आटे की लोई बनाएंगे। वही हाँ, और ये हमारे आलू हैं, तो हमने बॉईल करने के लिए रख दिए थे आलू हमारे उबलने के लिए। तो ये हमारे उबल चुके हैं, अब देखते हैं हमें। मौसम भी आज ऐसा है, मतलब धूप नहीं है, तो क्या बनाएंगे पता नहीं। अभी आलू के पराठा बनाना है, आलू के पराठे बनाएंगे या क्या, मतलब। तो बस अभी हम क्या बनाएंगे अभी देखते हैं। और ये हमने पूड़ियाँ बनाई थी सुबह, क्योंकि थोड़ा टाइम हो जाता है खाना बनाने में। तो ये हमारी पूड़ियाँ हैं बेसन की, मतलब मैंने बेसन डाल के, आटे में बेसन डाल के बनाई हुई थी, अजवाइन वगैरह डाल के, क्योंकि अभी हमारे बेटू के पेपर चल रहे हैं, बड़े वाले बेटे के। तो क्या है, जल्दी जाता है, तो बस मैंने लंच में ये बना दी थी, मतलब पूड़ियाँ बेसन वाली। और अभी हमारा दूध रखा हुआ है, देखिए अभी हमारा इसको गर्म करना है अभी हमें। तो पहले क्या करते हैं, पहले गाय की लोई निकाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया और यहाँ डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि गुरुवार है तो गुरुवार में गाय की लोई में हल्दी डलती है। और बस आटा लगा लेते हैं, और यहाँ बस आटा मैंने लगा लिया, तो बस लोई निकाल देते हैं। और 2 रोटियाँ निकालेंगे गाय के लिए, भूख के लिए। और ये देखिए, बस थोड़ी सी मैंने उंगली से उसमें गड्ढा कर दिया, और बस गुड़ गुड़ को रख दिया। और ये हमारे चने हैं, पानी निकाल दिया मैंने, तो बस इसी में अंदर रख देते हैं जो हमने दाल भीगी हुई थी चने की। ये देखिए अंदर मैंने डाल दिए, और बस हम इनको मून देंगे जिससे बाहर ना निकले। और एक कटोरी ले ली, तो बस रख देते हैं कटोरी में। और अब निकालेंगे हम 2 रोटियां गाय के लिए। और यहाँ बस मैंने 2 गाय के लिए निकाल ली रोटी, और इन्हें बस चिपट देते हैं। थोड़ी सी चीनी रखेंगे, तो बस भोग निकालेंगे। और क्योंकि भाई किचन में अन्नपूर्ण माँ का वास रहता है, तो बस उन्हीं के नाम से यहाँ 2 रोटियाँ का सब चीनी धर के भोग निकाल देते हैं। और ठाकुर जी का भी बस, तो सब एक ही माया है भगवान जी की, मैया की। तो बस गाय को खिला देते हैं। और यहाँ बस देखिए, मैंने थोड़ा सा बस रख दिया, और ये हमारी लोई है तो लोई को भी रख देते हैं रोटियों के साथ। बस अभी हमारी गाय आएगी, तो बस गाय को दे देंगे। और यहाँ हमारा 1 रोटी का आटा और बच गया था, तो ये मैंने बस इसकी भी सेक दी थी, 1 रोटी बना दी थी, इसको भी रख देते हैं। और अभी ये देखिए हमारा दूध भी गर्म हो रहा है अभी। और यहाँ हम मिर्ची को कट कर लेते हैं, तो हम बनाएंगे अभी मटर चावल बना देते हैं, क्योंकि पूड़ियाँ रखी हुई हैं। और बस यहाँ कुकर रख लेते हैं, तो बस मटर चावल को थोड़ा सा ऑयल डालेंगे यहाँ। तो बस मटर चावल बनाना है मुझे, बस वो बना लेते हैं हम।
तो बस हमारा तेल गरम हो गया। अब डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी राई। तो बस ये बस चारों को हम डाल देते हैं और यहाँ बस सारी मिर्ची हमारी कट करी रखी हुई है, बस इसको डाल देते हैं। और बस मिर्ची हमारी भुंज गई तो थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और अब डाल देते हैं मटर को। और ये देखिए हमारी साक्षी आ गई। और ये हमारे बस उबले हुए आलू थे तो इन्हीं को डाल देते हैं बस इसमें। और बस यहाँ स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और थोड़ी सी डाल देते हैं कसूरी मेथी। और बस इसको चला देते हैं अच्छे से। और बस यहाँ डाल देते हैं हम चावलों को। तो बस मैंने अच्छे से इनको धो के रख दिया था पहले ही। और बस इसमें डाल देते हैं और चला देते हैं अच्छे से, इसको मिक्स कर देते हैं। और अब डाल देते हैं हम पानी। तो उतना हमें पानी डाल देते हैं जितना हमारे चावल फूल के आ जाएं। तो हमने बस आधा कुकर पानी कर दिया इसमें। और बस अब लगा देते हैं हम ढक्कन कुकर का। तो एक सीटी हमें इसमें लाना है, एक सीटी में हमारे मतलब मटर चावल बन के रेडी हो जाएंगे। वरना इन्हें छोड़ देते हैं हम थोड़ी देर के लिए और अपने प्लेटफॉर्म को साफ कर देते हैं। और देखिए सीटी भी आ गई हाल। तो बस गैस को बंद कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। और बस कुकर को उतार लेते हैं और देखिए सीटी भी हमारी बंद हो चुकी। और बस हमारा आंसू आ गया कोचिंग से, तो बस आंसू को दे देते हैं। और बस इसे थोड़ा सा दे देखिए तो अभी गर्म है, एकदम भाप निकल रही है अभी इसमें से। और देखिए भाई शाम हो चुकी है तो बस बैठ गए हम पलंग पर और रजाई में। ये देखिए रजाई ले ली हमने क्योंकि ठंडी लग रही थी। और हमने ठाकुर जी की हमने आरती वगैरह भी कर दी, दीपक हमारा तुलसी में भी रख दिया, ठाकुर जी की भी पूजा में भी रख दी, मतलब पूजा में आरती भी कर दी ठाकुर जी की, दीपक लगा दिया और तुलसी पर भी लगाया है। और बस थोड़े हम बैठ गए। तो आज है शादी, मतलब आज शादी में जाएंगे हमारे आंसू और मतलब बच्चे हमारे जाएंगे शादियों शादी में भी जाएंगे। नहीं नहीं भाई हम नहीं जा रहे क्योंकि ठंड लग रही है, सर्दी बहुत है आज। ये सजने समझने में बहुत दिक्कत पड़ती है, मतलब कौन साड़ी पहना है कौन वो है। तो मैं तो नहीं, बस बच्चे ही जाएंगे। तो खाना हमें बनाना नहीं है क्योंकि अभी हमने भाई मटर चावल बनाए हुए थे, वो रखे हुए हैं। भाई हमारी साक्षी भी आ गई थी कोचिंग से, मुझे मोबाइल में बैठी इतने टाइम नहीं मिलता मोबाइल चलाने के लिए बिल्कुल भी, तो अभी मोबाइल में बैठी हुई जाते हैं। तो बस लेट गए हम, भाई रजाई ले ली हमने क्योंकि तो अभी बस इनके पापा आ जाएंगे, मतलब ड्यूटी से वो आएंगे जब ये शादी में जाएंगे, मतलब वो बस लेटे हुए हैं हम। और पता नहीं भाई लेटे लेटे नींद भी आ जाए तो लेट के भाई सुबह भी हो जाए कोई पता नहीं। तो बस वीडियो को तो हम यहाँ ही एंड करते हैं। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।